टकराव की स्थिति के बीच भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों को चेतावनी दे दी है जो भ्रम फैला रहे हैं। आपको बता दें कि पूरी तरह से बिहार सहित देश के अलग अलग हिस्सों में इस बात को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां रणनीति गलत है। इस बात को लेकर के बिहार में ज़बरदस्त हंगामा हो रहा है और बिहार में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पिछले काफ़ी समय से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, चाहे वो जातीय जनगणना की बात हो या फिर जनसंख्या नियंत्रण की बात हो। इसके अलावा और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की बात कर लें या फिर बिहार के विकास की बात कर लें, इन मुद्दों पर कहीं ना कहीं एकजुट नज़र आ रहे हैं विपक्ष में खड़े तेजस्वी यादव और सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो रवैया है, उनकी पार्टी का जो रवैया है, वो भारतीय जनता पार्टी को मंजूर नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा जदयू की तरफ से किया जा रहा है, चाहे मुद्दा कोई भी हो। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनसंख्या नियंत्रण के बाद अब एक मुद्दा अग्निवीर वाला सामने आया है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पे कहा है कि युवाओं को बरगलाना बंद करें, उन्हें भ्रम फैलाना बंद करें, भ्रमित करना बंद करें और वास्तविकता से रूबरू हों। सीधे तौर पे जीवेश मिश्रा जो कि नीतीश सरकार में मंत्री भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक कदावर नेता हैं, बड़ी मुखर होकर के अपनी बात रखते हैं, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा युवाओं का हित चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं के आइकॉन हैं और उन्होंने हाल फिलहाल में ही समीक्षा करके जो भी विभाग हैं उन विभागों से रिक्तियां निकालने को कही है और 10 लाख युवाओं को पिछले 1.5 साल में नौकरी देने की बात कही है। नौकरी और रोज़गार को लेकर के भारत सरकार और प्रधानमंत्री काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं और लगातार उसके प्रयास भी कर रहे हैं। वहीं अग्निवीर एक ऐसी योजना है जिसको लेकर के युवा अपना कैरियर बना सकते हैं। पढ़ाई के दौरान मैट्रिक और इंटर पास करने वाले बच्चे 17-17.5 साल में यदि 4 साल के लिए नौकरी करना शुरू कर देते हैं, 4 साल के लिए सेना में चले जाते हैं, तो एक तो उनके पास स्किल होगा और दूसरा जब रिटायर्ड होंगे या जो जब सेवानिवृत्त होंगे तो 4 साल के बाद उनके पास एक अच्छी खासी रकम होगी जिससे वो अपना कैरियर बना सकते हैं या व्यवसाय भी कर सकते हैं। सीधी तौर पे जीवेश मिश्रा ने कटघरे में खड़ा करते हुए तेजस्वी यादव को साफ तरीके से चेताया है और साथ ही जदयू के लोगों को भी इशारों में उन्होंने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि ये अच्छी बात नहीं है, अगर ऐसा आप करते हैं तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से गलत है और लोगों को बरगलाना बंद कीजिए। वहीं आपको बता दें कि जीतन राम मांझी को भी चेतावनी दी गई है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार अलग तरह से भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर ज़बरदस्त विरोध कर रहे थे और अब भारतीय जनता पार्टी मुखर हो गई है। लगातार बयानों में सबको जो जो इसका विरोध कर रहे हैं या विरोध का समर्थन कर रहे हैं या फिर इस जो नया स्कीम आया है इस स्कीम को वापस लेने की बात कर रहे हैं, उन लोगों को कड़ी चेतावनी दी गई है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।